लाल सिंह चड्ढा जो है बायकॉट होने के क्या वजह जानते हो? वजह नहीं, आप बताइए। पत्नी ने कहा था कि इंडिया में मैं खतरा महसूस कर रही हूँ। तो पति आमिर खान चाहता तो इंडिया की फिल्म बनाता, इंडिया की रिमेक बनाता। जानबूझ के विदेश की फिल्म का रिमेक बनाया लाल सिंह चड्ढा। अच्छा, अब भाई पत्नी से तो गलती हो गई, अब उसको आग लगा दी तुमने। अरे भाई बॉलीवुड की फिल्म का रिमेक कर लेते, टॉलीवुड का कर लेते। तो रिमेक है वो? रिमेक है, लेकिन हॉलीवुड की अंग्रेजी फिल्मों का। तो तुम भैया काम भी ऐसे भारत के बाहर के करोगे तो भैया कैसे टॉलरेंस जो है इनटॉलरेंस कैसे बढ़ेगा, कैसे संभाला जाएगा? भैया ऐसा है कि गुजरात के मोदी जी और दिल्ली के राहुल जी में कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो अभी हम जा रहे हैं राजकोट गुजरात, तो राजकोट गुजरात का शॉर्ट फॉर्म है आर जी। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जो आर जी हैं वो सुरक्षित रहें, खुश रहें, राजकोट गुजरात भी, और आर जी मतलब राहुल गांधी है, क्योंकि अच्छे इंसान है यार, हंसते रहते हंसाते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है, सबसे ज़्यादा उन्होंने हंसाया। अंधेरी का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस एयरपोर्ट, मैं और जबरदस्त आर्टिस्ट रियाज इंडियन। हाय दोस्तों, बड़ी खुशी हो रही है, सुनील पाल जी के साथ अहमदाबाद में स्टेज शेयर करेंगे। अहमदाबाद है राजकोट? मैं तो अहमदाबाद ही समझता, सॉरी राजकोट। गलती से भी मत लाना नियत में आज कोट, वरना माफ नहीं करेगा तुम्हें राजकोट। रियाज का नाम जो है इसका मतलब मैंने पूछा तो ये कहता है कि अगर रिया नाम की लड़की अकेली खड़ी है तो रिया, और दो रिया नाम की लड़की खड़ी है तो रियाज। रियाज ये बताओ, जब तुम सोनू निगम के घर पे गए थे हाँ, तुम्हें धक्के देके वहाँ से निकालना पड़ा क्योंकि तुम उस कमरे से निकल ही रहे थे। गलती से सोनू भाई ने कह दिया था कि मैं सिंगर हूँ और ये रियाज का रूम है। तो रियाज निकलने की जरूरत थी, निकल ही नहीं पा रहा वहाँ से। ऊपर से कहता कि सोनू जी मुझे अपने घर पे रख लीजिए, आप सिंगर हैं, आप इंडियन सिंगर हैं। नहीं, उनके नौकरों ने कहा सर ये बड़ा बदतमीज लड़का है, इसको आप घर से निकाल क्यों नहीं देते? बोले सोच तो रहा हूँ लेकिन क्या करूँ। बोले क्या करूँ मतलब? बोले आप सिंगर हैं, आप रियाज के बिना रह नहीं सकते। ऊपर से इंडियन रियाज। हाँ। ये रियाज इंडियन। अरे वो तो तुम तो अदनान साहब के पास भी काम पे थे ना? हाँ, बुरे वक्त पे। अरे बाप रे, तुम मरते तो ये तो तुम्हारा पुनर्जन्म है मालूम है जी। हाँ, मैंने आपको कॉल किया था, बचा लो। यस, अदनान भाई जब बहुत मोटे थे तभी उनके पास में काम करता था, तो अदनान भाई एक दिन इससे मुझे फ़ोन किया, मुझे बचा लो। मैंने क्या हुआ? बोले अदनान भाई को किसी को फ़ोन पे बोल रहे हैं कि बहुत दिन से मैं रियाज में नहीं बैठा, आज मैं पूरा दिन रियाज में बैठूंगा। और तब वो बहुत मोटे थे। अच्छा सुनो, हम जो आज गुजरात जा रहे जी, तो हम दिल से कह सकते कि खवातीन हजरात आज हम जा रहे गुजरात, और दुआ करो कि सुपर हिट शो हो हमारा आज रात। वाह वाह, क्या बात, क्योंकि कोविड के बाद ये अपना ढंग का पहला शो है, समझे? यस सर। मतलब आज के शो के लिए पहनूंगा नया कोट, समझे? आज के शो के लिए पहनूंगा आज नया कोट, क्योंकि जा रहे हैं राजकोट। हाँ, जा रहे हैं राजकोट, नया कोट, आज कोट पहनूंगा, आज कोट नया पहनूंगा आज कोट, जा रहे हैं राजकोट। और सुनो, आज गुजरात जाना बनता भी है। वो कैसे? आज की तारीख क्या है? आज की तारीख 6। हाँ, उसने कहा कि और दिन भी आज जो है शनिवार है, वैसे देखा जाए तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो सोमवार से अगर पकड़ा जाए तो दिन भी आज छठवा ही है, शनिवार, ठीक है ना? तो भैया बहुत मज़ेदार टूर होने वाला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट पे ही हम लोग अगर सारी बातें करें एंट्रेंस से पहले तो मज़ा आ जाएगा। शो जो है वो माय एफएम का शो है। माय एफएम मतलब माय फादर एंड मदर, मतलब जो हमारे दर्शक हैं। अच्छा। वो हमारे लिए माँ बाप की ही तरह है, जो हमें पालते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। और अगर एफएम का ये भी देखा जाए तो फीमेल और मेल, जितने भी फीमेल और मेल आ सकते हैं,
आज के शो में बड़ा मजा आएगा। आएंगे आज रेडियो के शुक्ल रेडियो बिल्कुल रेडी है दादा। इस टी शर्ट पे एकदम जवान लग रहे हो, यंग लग रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे 30 साल पीछे चले गए हो। अरे वाह 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 वाह, तो अल्लाह के नाम से कुछ भीख दे दो, कुछ तो भीख दे दो। अरे दादा भीख क्यों मांग रहे हो? अरे मैं 30 साल पहले बहुत भीख मांगते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और इस वक्त मैं इंडियाज लाफ्टर चैंपियन देख रहा हूं, जिसका एक चैंपियन, जबरदस्त चैंपियन मेरे साथ में जसवंत सिंह राठौड़ मौजूद है। जसवंत यार, पूरे शो में तुम मेरे बहुत ही फेवरेट हो। अरे भाई थैंक यू, कमाल की कॉमेडी करता है बंदा यार, मतलब क्या क्या नहीं करता, पूरी कॉमेडी का शॉपिंग मॉल है ये, मतलब ये है ना। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि मतलब देखो मतलब एक्टर वाइज सुनील शेट्टी और तमाम कलाकारों की क्या क्या हूबहू आवाज निकालता है, इस तुमसे अच्छी परफेक्शन मैंने किसी दूसरे आर्टिस्ट ऑब्जर्वेशन भी बहुत अच्छी है, जबरदस्त है। और वो क्या सिंगिंग यार तुम्हारा क्या कमाल, तुम क्या पैरोडी करते हो मोहम्मद अजीज शबीर कुमार साहब इनकी, क्या क्या करते हो यार, और वन लाइनर्स, पंचेस, कैरेक्टराइजेशन, इवन अटायर, सटायर तो होता ही लेकिन अटायर भी इनका, जो गेटअप जो कमाल है यार, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मेरे बहुत फेवरेट हो, तुम भी जीतोगे, तुम भी जीतोगे। हो गया कट, हो गया, सही बोला भाई, एक एक शब्द सही बोला ना, जैसे मैंने एक एक शब्द का वैसे ही बोला, अच्छा किया आपने। और सुनो अभी जो बोलना है यही राय रखना, ये तो पता है माला करने चक्कू है, मुझे माफ करना प्लीज, चक्कू था। थोड़ा एयरपोर्ट पे खाने पीने का शॉप मार्केट देख ही रहे हैं, और मैं खाने का इंतज़ार कर रहा हूँ भैया। ऐसा है कि टाइम पर है फ्लाइट, तो जो मिल जाए फ्लाइट फ्लाइट फ्लाइट, जो मिल जाए इट फ्लाइट या फ्लाइट।